आप बहुत परेशान हो, आपके घर के कई सदस्य सिलेंडर ब्लास्ट में झुलसे हुए हों और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बेहतर इलाज आपका नहीं हो रहा, आपको बेहतर अस्पताल नहीं मिल रहा, और एक रात आपको एक राज्य के मुख्यमंत्री का फ़ोन आए और वो कहें कि अब आप चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्था कर दी जा रही है, तो शायद आप यही कहेंगे कि भगवान ने फ़ोन किया है। आज जो हम आपको खबर बता रहे हैं वो महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे की है। बता दें आपको कि पिछले 4 दशक यानी 40 सालों से बिहार में रह रहे एक मराठी परिवार के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवदूत साबित हुए हैं। इस मराठी परिवार के 4 लोग सिलेंडर ब्लास्ट में बुरी तरह झुलस गए थे। पटना में इलाज का कोई सही इंतज़ाम नहीं और घायल लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ी थी, तभी इस वाक्य की पूरी जानकारी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को मिली। शिंदे ने इस परिवार को सही इलाज के लिए अपने खर्चे पर एयरलिफ्ट करा दिया। मराठी परिवार के 3 घायल पटना में एयर एम्बुलेंस के जरिए पुणे पहुंच चुके हैं। खास बात यह भी है कि इस परिवार को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कराने के लिए एकनाथ शिंदे देर रात जगकर खुद मॉनिटरिंग करते रहे। इस वाक्य के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की खूब तारीफ हो रही है। वहीं बिहार में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के दावों की पोल भी खुली है। तकरीबन 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार की राजधानी पटना में एक भी बर्न हॉस्पिटल नहीं है, लिहाजा इस मराठी परिवार का इलाज नहीं हो पा रहा था। पीड़ित परिवार कह रहा है कि एकनाथ शिंदे इंसान नहीं भगवान हैं, अगर वे नहीं होते तो लोग इलाज के बिना तड़प तड़प कर मर जाते। पटना के बाकरगंज के नागेश्वर कॉलोनी में अमोल जाधव अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका परिवार 1978 से ही बाकरगंज में रह रहा है, जहां उनका अपना 3 मंजिला मकान है। अमोल जाधव का अपना व्यवसाय भी है। 14 जुलाई की देर रात पूरा परिवार सोया था। रात के 2 बजे अमोल जाधव की पत्नी रोहिणी की नींद खुली और वह वॉशरूम गई। रोहिणी की नज़र किचन में जलती हुई लाइट पर पड़ी। उन्होंने जैसे ही किचन के लाइट का स्विच ऑफ किया वैसे ही धमाका हो गया। किचन में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और तेज धमाका हुआ। इससे घर के खिड़की दरवाजे सब उड़ गए। आग का तेज लपटा पूरे घर में फैल गया और अमोल और उनकी पत्नी रोहिणी के साथ ही उनकी बेटी लिपिका और बेटा संग्राम गंभीर रूप से झुलस गए। धमाका इतना तेज था कि पूरा मोहल्ला दहल गया। आसपास के लोग सिलेंडर विस्फोट से गंभीर रूप से झुलसे लोगों को पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले गए। वहां सिर्फ मरहम पट्टी की गई और कह दिया गया कि बर्न केस के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। घायलों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल अपोलो बर्न हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस अस्पताल में भी कहा गया कि यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, इसलिए कहीं और ले जाएं। घायलों को लेकर लोग पटना के अस्पतालों में भटकते रहे, लेकिन इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बीच अमोल जाधव के भाई किरण जाधव को वाक्य की जानकारी दी गई। किरण जाधव पेशे से डॉक्टर हैं और पुणे में रहते हैं। किरण जाधव ने पटना के पारस अस्पताल में बात की और वहां घायलों को भर्ती करवाया, लेकिन पारस अस्पताल ने भी बर्न केसेस के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की है, लिहाजा सिर्फ प्रारंभिक इलाज किया जा रहा था। जाधव के भाई किरण जाधव ने बताया कि घटना की खबर मिलते ही वे पुणे से पटना पहुंचे। यहां देखा कि भाई भी रोहिणी की हालत काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर किरण जाधव ने अपने खर्चे पर लगभग 10.5 लाख रुपए में एयर एम्बुलेंस बुक किया, उससे अपनी भाभी रोहिणी को पटना से पुणे के सूर्य अस्पताल पहुंचवाया। किरण जाधव उसी एयर एम्बुलेंस से दूसरे घायलों को भी भेजना चाहते थे, लेकिन एयर एम्बुलेंस में सिर्फ एक मरीज को ले जाने की ही व्यवस्था थी। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी 1 से ज़्यादा मरीजों को ले जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। एयर अथॉरिटी ने कहा कि 3 मरीजों को ले जाने के लिए वे 3 दफ़े एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें। डॉक्टर किरण जाधव ने मीडिया को बताया कि वे पूरी तरह निराश हो गए थे। उनके भाई और परिवार के दूसरे सदस्य मरणासन्न स्थिति में पहुँचते जा रहे थे और वे इलाज का कोई इंतज़ाम नहीं कर पा रहे थे। निराश किरण जाधव पटना में बैठकर लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे कि 16 जुलाई की रात 11:30 बजे उनके मोबाइल पर मुंबई के मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन आ गया। लाइन पर सीधे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे थे।
दरअसल डॉक्टर किरण जाधव का एक दूर के रिश्तेदार का परिचित महाराष्ट्र सीएम हाउस में काम करता है। उसे इस वाक्य की जानकारी थी। उसने ही महाराष्ट्र के सीएम के पीए को बताया कि उसके परिचित परिवार पटना में इलाज के अभाव में मरने के कगार पर हैं। पीए ने अपने साहब को इसकी जानकारी दी और जैसे ही इसकी खबर मिली वैसे ही एकनाथ शिंदे एक्टिव हो गए। 16 जुलाई की रात एकनाथ शिंदे ने खुद किरण जाधव से बात की। उन्होंने पूरी बात समझी और दिलासा दिया कि 12 घंटे के भीतर उन्हें सारी मदद मिल जाएगी। 16 जुलाई की रात 11:30 बजे बात हुई और 17 जुलाई की सुबह पटना में एकनाथ शिंदे की ओर से भेजे गए एयर एम्बुलेंस पहुंच गए। डॉक्टर किरण ने मीडिया को बताया कि पटना से पुणे लाने के लिए सरकारी खर्च पर एयर एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद के खर्च पर 2 दफ़े पटना में एयर एम्बुलेंस भेजा। पटना में गंभीर हालत में पड़े घायलों को पुणे एयर एम्बुलेंस से भेजा गया, जहां इलाज के लिए सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर किरण जाधव ने बताया कि वे एकनाथ शिंदे से कभी नहीं मिले और ना ही उनसे किसी तरह की कोई जान पहचान है। वहीं डॉक्टर किरण बोले कि मैं तो अपने परिवार के इलाज के लिए पटना में भटक रहा था। पटना में जितने लोग से जान पहचान है उनसे मदद मांग रहा था, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की तो उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी, लेकिन फरिश्ता बनकर एकनाथ शिंदे आगे आए और अपने निजी खर्च से एयर एम्बुलेंस भेजा। डॉक्टर किरण ने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि उनका परिवार बच जाएगा। डॉक्टर किरण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि बिहार के लिए भी हीरो बन गए हैं। बिहार सरकार कम से कम इतना तो करे कि यहाँ एक बर्न हॉस्पिटल बना दे। 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में एक भी बर्न हॉस्पिटल न होना कितना दुख की बात है। बताते चले कि अमोल और किरण जाधव के पिता 1978 में ही महाराष्ट्र से पटना आए थे। वो पटना के बाकरगंज में सोना चांदी का काम करते थे। पिता की मौत के बाद अमोल जाधव ने उनका काम धंधा संभाल लिया। अमोल ने भाई किरण जाधव की पढ़ाई तो पटना में ही कराई, लेकिन उसके बाद उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में अपना अस्पताल खोल लिया है। लिहाजा जो कहानी इस वक्त आप सुन रहे थे वो साफ तौर पर इस बात को भी दर्शाता है कि जो दावे मौजूदा बिहार की सरकार करती है उस दावे में कहीं ना कहीं एक खोखलापन अब भी बाकी है। जहां एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार में हीरो बन गए हैं, वहीं नीतीश सरकार पर एक बड़ा जो तमाचा है वो एकनाथ शिंदे ने जड़ दिया है।